everyone, I am Swethi Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And today we are going to see the topic solutions. This is topic number 2 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with few of the topics. And if you have missed those videos, you can click on the I button above and see those videos. The topic that we are going to study today is boiling point elevation. तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कैसे है सॉल्यूशन का, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट कोई भी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अप्लाइड वेपर प्रेशर को इक्वल हो जाएगा. तो जब आपके गिवन लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर है और आपका अप्लाइड प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. कोई भी लिक्विड जो ओपन कंटेनर में बॉइल हो रहा है उसका अप्लाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल होता है. तो यदि आप पानी जो खुले कंटेनर में जो बिना ढके आप उबाल रहे हो, तो उसका अप्लाइड प्रेशर मतलब आपके सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही. ये पाया गया है कि सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है जब उसमें आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दो. तो सपोज एक प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है और यदि आपने उसमें एक ऐसा सॉल्यूट मिक्स कर दिया जो नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा. तो कोई भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स हो जाता है. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होगा. तो इसके समझने के लिए आप कंसिडर कीजिए कि TB0 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. मतलब कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB0. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, TB. सॉल्यूशन मतलब ये प्योर सॉल्वेंट में एक ऐसा सॉल्यूट मिक्स जो नॉन वॉलेटाइल है, तो वो सॉल्यूशन बना रहा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB है. तो आपको हमेशा याद रखना है इस केस में TB जो है हमेशा TB0 से ज़्यादा होगा. मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा. जो ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, दैट इज़ TB और TB0 के बीच में जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, टेम्परेचर का, उसको दिखाने के लिए कांस्टेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ डेल्टा TB. तो डेल्टा TB मतलब क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस. इसलिए डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0. अब ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्यों होता है, क्यों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिक्स होकर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पहला रीज़न है होता है क्योंकि वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है. तो अब ये समझने के लिए हमें ये ग्राफ देखना होगा. देखो, ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर उस गिवन सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का अप्लाइड वेपर प्रेशर को इक्वल हो जाता है, तो हम उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. बट आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है. तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा. इसलिए आप इस ग्राफ में देखोगे तो आपको दो कर्व मिलेगा. एक कर्व है जो है सॉल्यूशन का और दूसरा कर्व है वो है सॉल्वेंट का। तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का कर्व दैट इज CD कर्व सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कर्व दैट इज AB कर्व के नीचे है, क्योंकि प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा और ये दोनों का वेपर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ये दोनों दैट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा P इक्वल्स टू X2P10। अब एक बात याद रखना है कि 760 mm के वेपर प्रेशर पे कर्व जहां CD कट करेगा वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और 760 mm के वेपर प्रेशर पे जहां AB कर्व कट करेगा वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें देख सकते हो आपके एक्स एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। तो CD कर्व जहां पे आपका 760 mm पे कट कर रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और AB कर्व जहाँ 760 mm पे कर्व कट कर रहा है वो है दैट इज इंटरसेक्ट कर रहा है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इस ग्राफ से आप पता लगा सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा है दैट इज TB इज ग्रेटर देन TB0। तो ये प्रूफ करता है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। अब ये क्यों होता है आपको याद रखना है कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर आ जाता है अटेंड हो जाता है उस समय उस लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो वेपर प्रेशर जब लिक्विड का 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है उस टेम्परेचर पे लिक्विड आपका बॉयल होने लगता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सॉल्वेंट का अब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है, इसलिए सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर अटेंड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता, इसलिए सॉल्वेंट जो है वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लग जाता है। बट सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का 1 एटमॉस्फेयर अटेंड होने में टाइम भी लगेगा और ज़्यादा टेम्परेचर भी लगेगा और इस वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा याद रखना है TB इज ऑलवेज ग्रेटर देन TB0। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इलिवरेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट में और फिर उसके हिसाब से कितना बॉइलिंग पॉइंट इलिवेट होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन है जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पे दैट इज मोलालिटी पे। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन, इसलिए उसको दिखाया जाता है दैट इज डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आप KB यूज कर सकते हैं दैट इज अ कांस्टेंट, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। M मतलब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, KB मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और उसे ये बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन के कॉन्सेप्ट में इसे स्टडी कर रहे हैं इसलिए इसे बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है या फिर मोलाल इलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है या फिर इलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब डेल्टा TB इक्वल टू KBM में यदि आपका मोलालिटी सॉल्यूशन का 1 है तो उस केस में डेल्टा TB मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का वो इक्वल हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। इसका मतलब इल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है? तो इल्यूस्कोपिक कांस्टेंट एक ऐसा है is the boiling point elevation produced by 1 molar solution। तो 1 molar solution कितना boiling point elevation दिखाएगा उसे कहेंगे हम boiling point elevation constant या इलियोस्कोपिक constant। यूनिट फॉर kb, तो kb इज इक्वल्स टू डेल्टा tb अपॉन m। डेल्टा tb हमेशा केल्विन में दिखाया जाता है, मोलालिटी हमेशा मोल पर केजी में दिखाया जाता है, इसलिए केबी का यूनिट है केल्विन केजी पर मोल। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से कोई भी गिवन सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ गया है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी एक अननोन सॉल्यूट आपको दिया गया है नॉन वोलेटाइल, आपने उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, उसके बेसिस पे आप उस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको पता है फॉर्मूला जो अभी अभी हमने पढ़ा, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के बी एम। अब सपोज मैंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने डब्ल्यू 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट W2 ग्राम लिया है और W1 ग्राम सॉल्वेंट लिया है। तो W1 ग्राम सॉल्वेंट में मैंने W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उस केस में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो हो जाएगा W2 अपॉन M2, जहाँ M2 होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज M2 ही कैलकुलेट करना है। तो आपको याद रखना है कि आपने क्या लिया है, एक बीकर में W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया है जिसमें W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। इस केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, W2 अपॉन M2 और M2 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, W1 ग्राम, जिसे आपको प्रेजेंट करना है केजी में, इसलिए W1 ग्राम डिवाइड बाय 1000 kg per gram दैट इज W1 अपॉन 1000 kg। तो आपका जो W1 हो गया kg में। अब आपको मोलालिटी का फॉर्मूला पता होगा जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आपका सॉल्वेंट kg में है, उसमें कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किए गए हैं उसको कहेंगे मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, W2 अपॉन M2 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, W1 अपॉन 1000 kg जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इसे सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 1000 into W2 डिवाइड बाय M2 into W1 मोल पर kg। तो आपको मिल गया आपका मोलालिटी। अब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम मुझे पता था, अभी m को मैंने सब्स्टिट्यूट करूँगी इस वाले वैल्यू से, 1000 into W2 इक्वल्स टू M2 into W1। तो इस वैल्यू को मैं m की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगी और फिर इसे रीअरेंज करूँगी M2 फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए। तो M2 इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू 1000 into Kb into W2 डिवाइड बाय डेल्टा Tb into W1। तो यदि मुझे Kb दैट इज मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पता है, W2 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया वो पता है, W1 दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, और दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन का दैट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है यदि वो मुझे पता हो तो ये सब वैल्यू से मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे अब हम आगे प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम है द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। इथिल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 77.0 डिग्री सेल्सियस। अब एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है 150 ग्राम इथिल एसीटेट में। अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया है 84.27 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिया गया है, दैट इज 2.77 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। तो पहले आप फॉर्मूला याद करोगे, दैट इज m2 इक्वल्स टू 1000 इंटू kb इंटू w2 डिवाइड बाय डेल्टा tb इंटू w1। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब kb मुझे पता है, W2 मुझे पता है, उन्होंने दिया है 50 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो W2 पता है, W1 पता है 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट। डेल्टा TB मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से मुझे प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, उससे मुझे मिल जाएगा डेल्टा TB, जिसे मैं केल्विन में दिखाऊंगी। अब KB मुझे पता था, जो डिग्री सेल्सियस में उसको केल्विन में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये सारे वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में और कैलकुलेट करोगे तो आपको m2 दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सल्फर, दैट इज ये हो गया आपका W2। आपका सॉल्वेंट कौन है? कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज 100 ग्राम, ये हो गया आपका W1। पूरा सॉल्यूशन कितने पे बॉयल हो रहा है? 3.1981 केल्विन, दैट इज TB। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है TB। प्योर सॉल्वेंट किस पे बॉयल हो रहा है? 319.45, दैट इज TB0। अब मुझे Kb दिया हुआ है, Kb फॉर CS2 इज 2.42 kg पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दिया है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर। आप कहोगे मॉलिकुलर फार्मूला में कैसे फाइंड आउट करूं? एक बार आप मोलर मास फाइंड आउट कर लोगे, मोलर मास के बेसिस पे आप मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोलर मास का फार्मूला क्या है? m2 इक्वल्स टू 1000 इंटू Kb इंटू W2 डिवाइड बाय डेल्टा Tb इंटू W1। W1 मुझे पता है, W2 मुझे पता है, डेल्टा Tb मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ और ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल गया मोलर मास ऑफ योर सॉल्यूट, दैट इज मोलर मास ऑफ सल्फर। अब एटॉमिक मास सल्फर का दिया हुआ है, अब ये सब अप्लाई करना है इधर। तो आपको पता होगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या कितने एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, वो पता चलता है मोलर मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। मोलर मास मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया 255.1, जो एटॉमिक मास है वो मुझे दिया हुआ है 32, ये दोनों को डिवाइड करूंगी तो आंसर आ जाएगा 7.92, दैट इज नियर बाय 8। इसलिए सल्फर का फॉर्मूला है S8। और इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, एनी सजेशन, यू आर फ्री टू डू दैट ऑन asyadout04@gmail.com। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव मी अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड बिफोर डिपार्टिंग, द टंग हैज़ नो बोन्स बट it is strong enough to break a heart. So be careful with your words. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.